तो चलिए मिलते हैं इस पिक्चर के अगले एपिसोड में। पंडित का चेहरा, पंडित की स्माइल, पंडित की दाढ़ी, पंडित की मूंछें, पंडित का पेट, पंडित का फैट आपके सामने ही रहा। आप देखा एक साथ नहीं बोलेंगे तुम नौटंकी करो बेटा। सो भाई आज का ये बिल्ड किसका है? अरे दिल्ली वालों, अरे तुम्हारा यार, तुम तो दिल निकाल के रखे थे, दिल दिल्ली से सीधे लखनऊ ट्रांसफर कर दे आप लोग तो यार। सो भाई आज का ये बिल्ड है हमारे सुशील भाई का। सुशील फोटोग्राफर इनका नाम है, बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं दिल्ली के। अगर आप डालोगे गूगल पे प्रॉपर एड्रेस भी आ जाएगा तो प्रॉपर। देखिए मैंने लेफ्ट में थंबनेल देखी वो लगाया है फोटोग्राफ, देखो लगी आ रही होगी, शायद आपको दिख रही होगी। सुशील फोटोग्राफर नाम है इनका, बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, बहुत जबरदस्त फोटोग्राफर हैं। सो भाई व्हाट्स अप हेलो, कैसे हो आप सब? तो शायद आपका अंकित कुमार शर्मा एंड वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। दूसरा हाथ पॉकेट में इसलिए निकालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि एसी लग गई है भैया, ठंडा ठंडा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, तो भाई आज का ये बिल्ड है हमारे सुशील भाई का, 210,000 का बिल्ड है, फुल बिल्ड है। इसमें देखिए गेम, एक कीबोर्ड माउस, मॉनिटर एलजी का अल्ट्रा गेयर, 3060 ग्राफिक कार्ड, 3900X प्रोसेसर, 240 AIO, सब कुछ है, मतलब 1 TB Gen 4 NVMe सब कुछ है, 3200 MHz RGB RAM है। ठीक है, सो भाई आज का वीडियो है। और बाकी अगर आप पहले चैनल पे आए तो आपको पता है आपको क्या करना है। और भैया फिर कह रहे हैं किसी जालसाज के चक्कर में नहीं पड़ने का, पेमेंट करने से पहले हमसे अंकित से वीडियो कॉल करने का, जब तक मेरा अंकित का चेहरा नहीं दिखे तब तक आप एडवांस नहीं करेंगे। ये आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। बहुत धड़ल्ले से हमारे नाम का स्कैम चल रहा है, लोग हमारे नंबर यूज कर रहे हैं, अलग अलग हमारी DP यूज कर रहे हैं, करके ऑर्डर ले रहे हैं, फेक फैला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काफी पेजेस भी बने हुए, बहुत मुसीबत चल रही है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, चाहे सर पटक के मर जाए कोई आदमी, लेकिन आप क्या नहीं करेंगे, एडवांस नहीं करेंगे जब तक आप मेरी अंकित की आवाज सुन लो, बात कर लो हमसे फोन पे। अगर बात करने भी आपको डाउट हो तो आपको सीधे क्या करना है, वीडियो कॉल। हम वीडियो कॉल करने के लिए रेडी हैं, आपको टेंशन नहीं लेने का। कोई नया पीसी परचेज करना वहां पे 9532777615 नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया हो या उसका तो भी कोई इशू नहीं, जो नंबर यूट्यूब पे पड़ा है उससे रिप्लाई आया हो तो भी तब आप देख सकते हैं, या मिस्टर पीसी वाले के ऑफिशियल पेज से, मिस्टर पीसी वाले, ठीक है, उससे आया हो रिप्लाई तो भी आपको एडवांस नहीं करना है। एडवांस आपको तभी करना है जब आप हमसे वीडियो कॉल बात कर लेंगे, क्योंकि और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको बस भैया सब्सक्राइब कर देना है। और GPU की टेंशन नहीं, GPU हमारे पास अच्छे खासे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ऑर्डर देने का। भैया अपना और अपनों का दोनों का ध्यान रखना, सेफ रहने का, कोरोना काल चल रहा है भाई। ठीक है भाई, तो दिल्ली वालों आ जाओ यार, दिल लेके जिगर लेके, हम लोग तो पूरी बाहें फैलाए खड़े हैं आपके स्वागत के लिए। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और तैयार रहना कि हम लोग कब दिल्ली आ रहे हैं। चलो एक हिंट दे दिया है दूर से आपको, आएंगे। तो भाई दिल्ली का बिल्ड है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। सुशील भाई हमारे बहुत बढ़िया बंदे हैं, फोटोग्राफर हैं, हमारी अंकित की शादी में उन्हीं से हम अपनी फोटो खिंचवाएंगे भैया, क्योंकि जैसा हमने उनको फोटो देखी, स्क्रॉल किया इंस्टाग्राम पे, आते हमने कहा भैया तो फॉलोअपर लग रहे हैं, मालूम पड़ा भाई की फोटोग्राफी है। ठीक है भाई, चलो फटाफट बताते बताते हैं, सबसे पहले इसमें कौन सा हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं, फिर इसको करते हैं बिल्ड। हाँ तो भाई लोग देखो, मैं कैबिनेट क्या दिखा था आपको, जब से मैंने सोचा कैबिनेट दिखा उतनी देर में अंकित भाई ने अपना काम तमाम कर दिया। हम थोड़ा वॉशरूम का चलेगा सुसू करने, एक नंबर, तो इन्होंने अपना काम उतनी देर में कर दिया। अभी तो हम वॉशरूम से करने चले गए, तुमने वहाँ खोल खाल के तो फैन लगा दिया रख के उसमें। तो भाई देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कैमरा हमारी यूज हो रही है, वो यूज हो रही है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली कूलर मास्टर TD500 mAh, बहुत बढ़िया कैमरा है। आपने देखी होगी हम लोगों ने कई सारे बिल्ड में इस कैमरा को यूज किया है। फ्रंट में देखिए मैच डिजाइन आता है, 3 आपको ARGB फैन मिलते हैं, लेफ्ट में आपको कोई भी ARGB फैन नहीं मिलता। ये हमने लगाया है यहाँ पे कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला ARGB फैन, जो इसका डिब्बा हम कितने पता नहीं कहाँ रखती है, ये देखिए, ठीक है, ये फैन हमारा लगा हुआ है इसमें, ठीक। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको 3 का AIO टॉप लगा सकते हैं, फ्रेंड में लगा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी कैबिनेट की बहुत अच्छी है, SMPS का कटआउट है, व्हाइट कलर भी आता है इसका, बहुत बढ़िया कैबिनेट है, मस्त कैबिनेट है। और अगर प्राइस की बात करें तो लगभग आती है ये 7,500 से 7,500 से लेके 8,000 के बजट में।
हाँ तो भाई लोग उसके बाद देखिए जिसमें जो इस पर्टिकुलर ब्रांड में पावर सप्लाई हम यूज कर रहे हैं, कूलर मास्टर की तरह से आने वाली कूलर मास्टर 650 वाट की ब्रॉन्ज पावर सप्लाई और 650 वाट की ब्रॉन्ज पावर सप्लाई ये फुल सीट पैक है। मैं जल्दी से आपको खोल खाल के इसको नोच नाच के दिखाई दे रहा हूँ। देखो थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, बहुत सारे बिल्ड हैं लगे हुए और वो सब कर करा के फेंकने हैं, जल्दी से फटाफट चेक करना है एक चीज को। 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड, ये इसके प्रेम पत्र, ये पावर केबल और ये रही पावर सप्लाई और 650 वाट पावर सप्लाई सफिशियंट है आपके 36 के बिल्ड के लिए। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आता है लगभग 47,470 के आसपास। भाई आज का रेट ये चल रहा भाई, सब्सक्राइब कर लेना इन सारे प्रोडक्ट को, अगर बाय करना हो तो नीचे अमेज़न को लिंक दे रखा है वहाँ से बाय कर लेना, नहीं तो फिर हम तो हैं ही यार है? तो भाई उसके बाद देखिए इसमें मदरबोर्ड यूज हो रहा है, वो आता है गीगाबाइट की तरफ से, गीगाबाइट B550 गेमिंग X V2 फुल ATX मदरबोर्ड है, जबरदस्त मदरबोर्ड है, फुल सील्ड पैक। देखिए यहाँ से सील लगी हुई है सील पैक, उसके अलावा ये रहा इसका सीरियल नंबर, ये देख लीजिए ये सीरियल नंबर सील पैक आपके सामने। इसकी सील ब्रेक करते हैं हम लोग फटाफट, सुफी साहब मेरी खोपड़ी नहीं कट रही है। एक इसकी सील ब्रेक करते हैं, जैसे आप इसकी खोलिएगा तो ये रखा हुआ है, देखिए आपका मदरबोर्ड। जैसे हम इस मदरबोर्ड को निकालते हैं, ये निकाला हमने मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर हमको सामान क्या क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता भैया, एक साटा केबल मिली है, एक प्रेम पत्र मिला है और एक DVD मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसको हम लोग वापस रखते हैं, बाकी ये रहा मदरबोर्ड, ये देखिए यहां से भी इसकी सील लगी हुई है, ठीक है तो ये काटी इसकी सील। तो भैया ये देख लिए, ये एक फुल ATX मदरबोर्ड है, 4 RAM स्लॉट, 1, 2 ATI स्लॉट, NVMe के देखिए आपको एक ये स्लॉट दिया है, एक ये स्लॉट दिया है और IO पोर्ट्स आपके सामने है। ये देखिए ये रहे इसके IO पोर्ट्स, ये मदरबोर्ड है, दिखने में कुछ इस तरह का है, देख लिया आप, आपके सामने है। और सबसे मेन बात, बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड है, लगभग 11,500 रुपए में मदरबोर्ड आता है। सब दिख रहा है, सब साफ साफ चकाचक दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, एकदम मस्त, ठीक मदरबोर्ड देखिए एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है, ठीक है भाई। इस मदरबोर्ड को हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज कर रहे हैं। अब आप चाहो तो इसमें X570 यूज कर सकते हो, 450 यूज मत करना क्योंकि 3900X प्रोसेसर लग रहा है, हमेशा याद रखना 3900X प्रोसेसर अगर लग रहा हो तो मिनिमम B550 का मदरबोर्ड आपको यूज करना है, ठीक है। मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, जिसका बजट कम हो, मदरबोर्ड में पैसा कम इन्वेस्ट करना हो, वो आप लोग इस मदरबोर्ड को प्रेफरेंस दे सकते हो, गीगाबाइट B550 गेमिंग X V2, ठीक है भाई। लोग इसी बात पे लाइक करने का, चुटकी बज रही, कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, बाल भी ब्लू नहीं हो रहे, अबे लाल भी नहीं हो रहे, अबे पीले भी नहीं हो रहे, क्या बात है, जादू क्यों नहीं हो रहा यार ये, अरे यार ये प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं हम लोग, रिस्पेक्टेड लोग, इसमें जादू तोड़ना होता है, ठीक भाई। इस मदरबोर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका प्राइस आता है लगभग 11,500 से 12,000 के बीच में। सो भाई उसके बाद देखिए जो हम लोग प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं AMD Ryzen 9 3900X फुल सील्ड पैक। सबसे पहले सीरियल नंबर देखो आप, ये देखो दिख रहा है सीरियल नंबर, ठीक है। देखो ये भैया फुल सील्ड पैक प्रोसेसर है आपका, और ये देखो, ठीक है सुशील भाई देख लीजिएगा अपने सारे कंपोनेंट को आपके सामने, इसको हम करेंगे अनबॉक्स। देखिए सील काटी, और सील जैसे हमने काटी उसके बाद ये निकला इसमें हमारा प्रोसेसर, ये रहा प्रोसेसर, ठीक है ये देखिए, ठीक है ये प्रोसेसर है। उसके बाद इसके अंदर आपका जो प्रिज्म कूलर आता है वो ये रहा, अबे निकल गया, ये रहा प्रिज्म कूलर। ये कूलर आपको इस डब्बे के साथ एज इट इज भेजा जाएगा, और इस कूलर को आपको क्या करना है, संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि आप में आयु लग रहा है, इस कूलर का आपको यूज नहीं है, लेकिन जब कभी आपके प्रोसेसर में दिक्कत आई तो आपको क्या करना है, इसको संभाल रखना है, इससे आपको वारंटी क्लेम होती है, ठीक है भाई। इसीलिए हम और पंडित दोनों मिलकर आपको एक चीज बता देते हैं, तो ये प्रोसेसर इसमें यूज होता है 9 3900X। क्यों? क्योंकि भाई को करनी है 4K एडिटिंग और फोटोग्राफी, एडोब प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, इनके इन सब जैसे सॉफ्टवेयर भाई को हमारे चलाने हैं। भाई का नाम है, क्या नाम है, सुशील फोटोग्राफी, नेट पे चेक कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा, बहुत मस्त फोटोग्राफी करते हैं। प्राइस की बात करें तो लगभग आता है ये 41,000 से लेके 43,000 के बजट में, और मस्त प्रोसेसर है। अगर आप मुझसे बोलोगे Ryzen 7 5800X से इसको कंपेयर करोगे तो मैं कहूँगा ये ले लो। और उसके बाद हम लोग इसमें जो देखिए NVMe यूज़ कर रहे हैं, वो भैया कोई छोटी मोटी NVMe यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं Aorus की Gen 4 1TB की NVMe यूज़ कर रहे हैं,
जिसकी आपको रीड स्पीड मिलती है अप टू 5000 एमबीपीएस और राइट स्पीड मिलती है अप टू 4400 एमबीपीएस। और ये देखो इसका सीरियल नंबर वगैरह, पूरी सील्ड पैक है ये देख लो, ठीक है फुल सीड पैक है। डोंट वरी, मुझे पता है इतनी थोड़ा दूर से सीड नंबर में दिक्कत हो रही होगी, मैं एक नेक्स्ट कैमरा यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ जिससे बढ़िया से आपको शॉट मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा हाँ, और हाँ मेन बात, जेन 4 जितनी भी NVMe होती है, अंकित भाई बता रहे हैं V550 और X570 में कंफर्टेबल मतलब सपोर्टेड होती है, तो इस बोर्ड में सपोर्टेड है अंकित भाई का ये कहना है। अंकित भाई क्या कर रहे हैं दिखाओ, घुमा के दिखाओ क्या कर रहे हैं, दिखाओ 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 दिखाओ, ये देखो ये देखो। अंकित कुछ बोलो, क्या बोले भाई, क्या हालचाल है दोस्तों। भैया देखो ये हो, देखो हमारी आपके हम आप बोलते हो ना कि आप लोग फोन इसी नहीं करते हो, ये जिंदगी है हमारी। अगर 5 मिनट का टाइम मिलता है ना तो कोई फ्री नहीं बैठता है, हम अपने काम में लगे हुए हैं, अंकित अपने काम में लगा हुआ सारा काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, भैया फुल सील पैक है। सुशील भाई चेक कर लेना अपनी NVMe, आपके सामने अन्नी पन्नी वन्नी सब फट रही है, और इसका सीरियल नंबर भी आप अपने बिल से चेक कर लेना, सबका सीरियल नंबर बिल पे लिखा होता है, ठीक है। तो भाई ये रही NVMe, अब जब इसको खोलोगे ना तो उसके बाद भी इसमें सील लगी हुई है, देखो एक इस तरफ सील लगी हुई है, देखो काट रहे हैं आपके सामने हम, ठीक है। देखो एक यहाँ पे सील लगी हुई है आपकी, और एक इसके पीछे यहाँ पे नहीं एक ही सील लगी हुई है। अच्छा ये जब आप उठाओगे तो ये देखो आपकी निकलती है ऑरस की जेन 4 1TB की NVMe, ठीक है भाई लोग। ये NVMe हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज कर रहे हैं। प्राइस की बात अब आप पूछोगे कितने की आती है, तो लगभग आप मान के चलो 13-14 हज़ार के रेंज की ये NVMe आपको मिलती है मार्केट में। उसके अलावा जो इसमें देखिए रैम यूज हो रही है वो 16 GB की 2 स्टिक्स यूज हो रही है, कोर्सेयर वेंजेंस 3200 MHz की RGB प्रो SL फुल सील पैक है। ये देखो सील यहाँ से चेक कर लो आप, और यहाँ से भी सील नीचे चेक कर लो आप, और सीरियल नंबर ये सब देखिए दिए हुए, ठीक है। ये सीरियल नंबर है, 16 GB की 2 स्टिक इसलिए यूज कर रहे हैं। अब आप मुझसे कई लोग बोलोगे भैया 8-8 की 4 आप यूज कर सकते थे, भैया भाई को फ्यूचर लगानी है 64 GB रैम, इसलिए हमको 16 GB की 2 स्टिक यूज करनी ही पड़ी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई लोग। ये देखिए 2 रैम है हमारी, और इसकी कॉस्टिंग आती है 16 GB की 2 स्टिक्स में, तो भैया बहुत कॉस्टली है, मत पूछो आज का प्राइस, मत पूछो। नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स का लिंक दिया है, वहां से जाके देख लो आगे कितने की, भैया रैम का और GPU का आप समझो रेट आसमान पे, आसमान पे क्या ही बताएं आपको कि किस रेट में आजकल रैम आ रही है, ठीक। तो 16 GB 2 स्टिक यूज कर रही है। आप लोगों से हम कहना चाहेंगे अगर आप लोग कोई प्रोडक्टिविटी वर्क करना हो, जैसे एडिटिंग 4K एडिटिंग, फोटोग्राफी वगैरह काम करना हो, 3D रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग, 3D रेंडरिंग का या आर्किटेक्ट का कोई काम हो, या CAD के सॉफ्टवेयर चलाने हो, या मतलब कोई भी अगर प्रोफेशनल लेवल का काम हो, तो कम से कम 32 GB रैम लगाइएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुलते ही वो सॉफ्टवेयर आपका आधे से ज़्यादा रैम खा जाता है। प्रीमियर प्रो खोलोगे 6-7 GB रैम खा जाएगा, आफ्टर इफेक्ट उससे मच कर दोगे 15 GB रैम खा जाएगा, होगा आप 16 GB रैम लगाते हो तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा प्रोफेशनल काम में आपको हमेशा 32 GB को रैम प्रेफरेंस देना है, RGB 5 GB पर प्रेफरेंस मत देना, RGB से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है, समझ गए भाई, परफॉर्मेंस बढ़ती है सिर्फ सब्सक्राइब करने से, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल करने से। करते नहीं हो आप लोग यार, कर दो यार भाई, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली तो आप लोग शांत हो गए हो, अब तो वीडियो आ रही है ना, मजा आ रहा नहीं आ रहा है बता दो जरा। तो भाई उसके बाद देखिए इसमें एक AIU यूज हो रहा है जो कि कूलर मास्टर सबसे आने वाला, कूलर मास्टर लिक्विड ML240V2 ARGB 240 mm का AIU है, लगभग 7000 के बजट में आता है। इसको मैं खोल के आपको नहीं दिखाना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि जब ये अंकित भाई लगाएंगे ना तभी खोलेंगे, तभी इसको अनबॉक्स करेंगे, तब आप इसको देखिए, ठीक। लगभग आता है 7000 के बजट का, 240 mm का V2 ARGB है जो कि मदरबोर्ड से आपके सिंक हो जाएगा, ठीक है भाई, 240 mm का AIU इसमें यूज हो रहा है। उसके अलावा एक और इसमें सोने की चिड़िया यूज हो रही है जिसका नाम है गीगाबाइट G4 RTX 3060 12 GB का कार्ड यूज हो रहा है। सबसे पहले भैया मैं सील दिखा दूं इसकी ताकि भाई को हमारे डाउट ना हो, ये देखो सील, ठीक है, फुल सील्ड पैक, इधर से भी सील्ड पैक, सील्ड पैक के साथ साथ ये रहा इसका सीरियल नंबर, ये देख लो आप, ठीक है। अभी मैं इसको खोलूंगा, खोल के भी इसका सीरियल नंबर दिखाऊंगा, इसीलिए हर प्रोडक्ट का मैं सीरियल नंबर दिखा देता हूँ। ये एक और मेरा कैमरा लग जाए ये शॉट वाला, तो एक एक का सीरियल नंबर घुसड़ के दिखाऊंगा कैमरे में। यार कैसी बात कर देते हो आप लोग, यार आप तो पंडित जैसे बात करने लगे हो। तो भाई आपके सामने डब्बा खुल रहा है, सोने का पिटारा खुल रहा है, ये देखो ये रखा डिब्बा, ये रखा खुला आपका ग्राफिक कार्ड, भैया फुल जेन्युइन है, देख लेना टेंशन नहीं लेने का,
ये निकला इसका एक प्रेम पत्र, ये निकला एक इसका गत्ता, और ये निकला हमारा ग्राफिक कार्ड। भैया ये देखो यहाँ से भी सील लगी हुई है, हमेशा देखना बाहर से लगी तो ठीक, अंदर भी सील चेक कीजिएगा तभी प्रोडक्ट आपका जेन्युइन होगा। ये सील लगी हुई है पूरी प्रॉपर, देखो ये देखो लगी हुई है सील, हमने काटी और सील काटने के बाद अब इसके अंदर भी सीरियल नंबर आपको दिखाते हैं। रुको पहले, ये ग्राफिक कार्ड है आपका GeForce RTX 3060 गेमिंग ओसी 1 2 3, तीन फैन पे आता है, RGB लाइटिंग दे रखी है यहाँ पर, उसके अलावा हीट सिंक भी दे रखी है काफी अच्छी, और ये रहे इसके IO पोर्ट्स देख लो, ये तीन डिस्प्ले, एक HDMI ट्रिपल फैन पे है, और सीरियल नंबर देखो इसका लिखा है यहाँ पर। कैमरामैन साहब जरा सीरियल नंबर दिखाइए, एकदम क्लोज दिखाइए, अगर दिखना चाहिए सीरियल नंबर, ठीक है। देखिए ये इसका सेल नंबर, सुशील भाई आप इसको बिल से अपने मैच कर लीजिएगा, बॉक्स से मैच कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बेफिक्र होके आपका पैसा जेन्युइन जगह गया है, टेंशन नहीं लेने का यार भाई। तो भाई लोग उसके बाद देखिए जो उसमें एक कीबोर्ड माउस यूज हो रहा है वो आता है, ये देखिए बैकग्राउंड यूज होती है, अच्छी नहीं लगी क्या? तो भाई ये कूलर मास्टर का हमारा कीबोर्ड माउस है और बंडल है, RGB है। अब इसको मैं खोल के अभी आपको कुछ देर के बाद इंटरवल के बाद दिखाता हूँ कि ये कूलर मास्टर बंडल यूज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया बंडल है, प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, 2600-2700 रुपये के आसपास आता है ये, इसमें यूज़ हो रहा है, उसके बाद मैं और दिखाता हूँ क्या यूज़ हो रहा है उसको। तो भाई ये रहा हमारा मॉनिटर जो कि इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज़ हो रहा है, इसका नाम है LG अल्ट्रा केयर। पंडित सोच रहा होगा इतने चिल्ला क्यों रहे हम, अरे भैया माइक निकाल दिया, डायरेक्ट फोन के माइक से रिकॉर्ड करना पड़ा, ऐसे चिल्ला रहे, तुम पागल समझते हो क्या हमको? पैसे 50 रुपए कट। तो भाई ये LG 27GL 650 ये एक 27 इंच का 144Hz IPS पैनल, 1 ms रिस्पॉन्स टाइम का गेमिंग मॉनिटर है, लेकिन ये यूज होता है मेनली जो प्रोफेशनलिज्म के काम होते हैं ना, प्रोफेशनल वर्क होते हैं लाइक, क्योंकि LG का है तो कलर फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड होता है, और कलर्स के मामले में भाई बहुत अच्छा है। उन लोगों के लिए मेरी एक सलाह है मेरी और अंकित की तरफ से कि जो लोग प्रोफेशनलिज्म का काम करते हैं, वो लोग जिनको कलर की एक्यूरेसी चाहिए होती है, वो लोग LG की अल्ट्रा गियर सीरीज चुना करें। एंड डोंट वरी, LG ने हमको एक चवन्नी नहीं दी है, फूटी कौड़ी नहीं दी, अगर देंगे हम तब भी नहीं लेंगे, जो LG वाले सुन रहे हो दोगे तो भी नहीं लूंगा भाई, ईमानदारी का बिजनेस करते हैं हम और पंडित। और दूसरी चीज ये है, ये NVIDIA G-Sync मॉनिटर, इसलिए थोड़ा कॉस्टली, NVIDIA G-Sync मॉनिटर कॉस्टली भी आता है। जो चीज जेन्युइन होती है अच्छी होती है उसके हम लोग तारीफ करते हैं, जो जेन्युइन नहीं होती अच्छी नहीं होती, साफ साफ कहते हैं भैया ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है भाई। ये मॉनिटर यूज होता है, हम लोग इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस पिक्चर के अगले एपिसोड में, पंडित का चेहरा, पंडित की स्माइल, पंडित की दाढ़ी, पंडित की मूछें, पंडित का पेट, पंडित का फैट आपके सामने ही रहा। अब हम आए आए कैमरे की ओर, हमारी चीजें लेकर कर दोगे क्या? हम आए भी ना रहा, मुझे बता दो, बिल करें कि ना करें, घाटे ले जाए। अब देखना एक शब्द नहीं बोलेंगे, तुम नौटंकी करो ना, साले लंबी तो तो भाई लोग आपने शॉर्ट्स देख ही लिए होंगे, आई थिंक शॉर्ट्स में एंजॉय कर लिया होगा। देखिए ये हमारा मदरबोर्ड आपके सामने रखा हुआ है, अंकित भाई ने आपके सामने इसमें देखिए प्रोसेसर लगाया है AMD Ryzen 9 3900X, ये देखिए, उसके अलावा आपकी ऑरस की Gen 4 NVMe लगाई, देखिए Gen 4 SSD 1TB NVMe और 16 16 की दो स्टिक लगी है इसमें, RGB RAM, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा देखिए, अंकित भाई खुद पेश कुछ कर रहे हैं इसमें अपनी कारीगरी, आप इसमें अंकित क्या लगाओगे? बेस लगा के बोर्ड लगाएंगे। अच्छा, इसमें बेस लगेंगे, फिर बोर्ड लगेगा, उसके बाद लगेगा इसमें AIO, ठीक है। तो आप देखते जाइए।
तो भाई लोग ये देखो हमारे अंकित साहब ने सब कुछ इसमें लगा दिया, AIO सब कुछ इसमें, एडिटिंग फिटिंग शिटिंग सेटिंग सब कर दिए। देख के कैसा लग रहा है बिल्ड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। सुशील भाई मजा आ जाएगा आपको बिल्ड देख के आपका। ठीक, अब हमारा इसमें लगने जा रहा है सीधे ग्राफिक कार्ड, पत्ती खुलेगी ग्राफिक कार्ड लगेगा, वादे पे जाइए। तो भाई ये देखिए हमारा ग्राफिक कार्ड इसमें लग चुका है, सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट लग चुकी हैं। बस इसका आपको हमें आपको दिखाना है केबल मैनेजमेंट। तो ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, ठीक है, ये देखिए ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट। ठीक है भाई, ये देखिए कैसा लग रहा है केबल मैनेजमेंट कूलर मास्टर 3D5 सोमेश का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारा सामान इसमें लग चुका है, अब बस इसका बैक पैनल लगाते हैं हम, और बैक पैनल लगाने के बाद सीधे इसमें लगाते हैं पावर सप्लाई। सो भाई लोग बिल्ड अपना रेडी हो गया है, और रेडी होने के बाद कैसा लग रहा है देखिए आपके सामने है, विंडोज़ वगैरह सब इसमें हम लोगों ने डाल दी हैं, A2 से सब कुछ इसमें पड़ चुका है। और अंदर का लुक कैसा लग रहा है देखिए, 16 GB की 2 स्टिक हैं, 3200 MHz की, ऊपर AIO लगा है 240, सब ARGB है लेकिन अभी उन्होंने उसको कंट्रोल नहीं किया है। और GB का 3060 देखिए लगा हुआ है, पीछे पूरा मास्टर का हेलो फैन ब्लैक लगा हुआ है, और GB का एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। कैसा लग रहा है पूरा सिस्टम आप लोग कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। ठीक है भाई, इतना ज़रूर देखिए मैं कह दिया है, अब आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है पूरा सिस्टम। 2,10,000 रुपये का इनका फुल PC सेटअप है। ठीक है, अब हम इसमें आपको दिखाते हैं इसमें अनबॉक्स करके इसका कीबोर्ड माउस, उसके बाद टाइम मिला तो मॉनिटर भी दिखाते हैं। ठीक है, एक रुकिए। तो भाई ये देखिए आपका कीबोर्ड माउस है कूलर मास्टर डिवेस्टेटर 3। ठीक है, और ये देखिए सील पैक है पूरा, ये देखिए सील लगी हुई है, ये रहा इसका सीरियल नंबर। ठीक, अब देखिए सील आपके सामने हम ब्रेक करेंगे, जैसे आप इसको खोलिएगा सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा ये देखिए ऐसे सील पैक होकर मिलेगा, ये रखा हुआ है इसका माउस, ये देखिए, और ये रखा है आपका कीबोर्ड। बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई कूलर मास्टर है तो कुछ कहना ही नहीं है, ना कुछ कहना है ना कुछ बोलना है, कुछ भी नहीं, ज़बरदस्त है डिवेस्टेटर 3। उसके अलावा ये देखिए इसका माउस, तो आपको इसको लगा के दिखाते हैं। सो भाई लोग देखिए हम लोगों ने कीबोर्ड माउस को अनबॉक्स कर लिया, कनेक्ट कर लिया, और इसकी की का फील टाइपिंग का फील कैसा देखिए आप सुनिएगा। ठीक है, उससे आप कलर चेंज कर सकते हैं इसकी इस बटन से, देखिए ये देखिए ये देखिए कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और कोई इफेक्ट अगर कोई इफेक्ट लगाने हो तो FN दबा के ये कर लें, तो ये देखिए इफेक्ट बहुत सारे लगा सकते हैं आप इससे। ठीक है, ये देखिए इफेक्ट बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, और देखिए ये रहा हमारा माउस। ठीक है, डिवेस्टेटर 3, और ये देखिए लाइट और DPI सब चेंज हो सकते हैं इससे, एक बटन साइड में, दो बटन साइड में दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे ये रोलर है आपका, व्हील हो गया। ठीक, इतने में 8 GB दे रखी है भाई, 2,500 रुपये के बजट में, 2600-2700 के बजट में ठीक है, बोर्ड अच्छा है। और देखिए ये गेमिंग वो देख के मल्टीमीडिया कीज़ दे रखी हैं इसमें, पॉज फॉरवर्ड बैक, और यहाँ पे वॉल्यूम की कीज़ दे रखी हैं, कैप्स लॉक, मतलब फील बहुत अच्छा है क्वालिटी के हिसाब से। ये आपका जो आपका है आपका कीबोर्ड बहुत बढ़िया है, मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है। पीछे का लुक ऐसा है देखिए इसका, ये रहा पीछे का, और पाम भी छोटा सा दे रखा है, पाम रेस दे रखा है छोटा सा, मतलब बड़ा नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं क्वालिटी वाइज लुक वाइज तो कीबोर्ड बहुत बढ़िया है डिवेस्टेटर 3। ठीक है, अब इसमें हमारा यूज़ हो रहा मॉनिटर, ये देखिए ये जो कि हम अभी खोल के नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्यों, क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पे जाना है। ठीक है, इसलिए आपको हम दिखा नहीं पाएंगे दोस्त, बाकी सारा सिस्टम इनका देखिए ये रहा। तो भाई सुशील भाई आपका बिल्ड कंप्लीट हो गया, सुशील फोटोग्राफर आपका बिल्ड कंप्लीट हो गया है, एंड इस बिल्ड में यार हम मॉनिटर नहीं दिखा पाए भाई, LG टाइम की कमी कारण इसलिए खोल नहीं है, क्योंकि भाई देखो लखनऊ में हो गया, लग गया लॉकडाउन। ठीक, यहाँ लग चुका है फुली तरीके से लॉकडाउन, फुली तरीके से मतलब सैटरडे संडे और मंडे को नहीं। अब एक न्यूज़ और आई है भाई, मंडे को भी, हाँ फ्राइडे की रात से लेकर मंडे तक लॉकडाउन लग चुका है, मंगल को खुलेगा फिर। हाँ, तो फिर इस वजह से भाई हम लोगों के आगे अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि कम टाइम में शूट भी करना है और आपको डिस्पैच भी करना है, और आपको तो कंटेंट भी दिखाना है, कंटेंट भी दिखाना है आपको।
तो भाई इसलिए माफी चाहेंगे कि हम लोग जो अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए। बाकी पूरे कंप्लीट वीडियो कैसे लगे बताइएगा। 210,000 के साथ बिल था, 3060 ग्राफिक कार्ड है ना, 3070 3060। आप में से कई लोग ये कहोगे 3070 के साथ क्यों नहीं किया, भाई लाख लाख रुपए का 3070 बिक रहा है, 3070 लग रहा है महंगा कार्ड क्या करेंगे लेके। और 3900 प्रोसेसर लगाई सोचो, और इसकी जेन 4 लगी है, 1TB NVMe, 20-22 का मॉनिटर है, और AIU लगा 240, तो कहाँ से हो जाएगा यार। आप खुद सोचो, मतलब बोर्ड में ही हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया इसीलिए कि जो है थोड़ा सस्ता रेंज का रखा, बट फीचर्स पूरे हैं, है बड़े सस्ता। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज सब्सक्राइब करते रहिए। Why you